ये हैं कानपुर के मशहूर नियाज कबाब वाले, मुल्ला जी के नाम से भी मशहूर हैं और कानपुर में बहुत मशहूर नाम है। दूर दूर से लोग यहाँ कबाब खाने आते हैं। हम भी अंदर चलते हैं और खाकर आपको ट्राई करके बताते हैं कैसे। कबाब के अलावा भी और क्या होता है भैया? अच्छा ये तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर इनकी एक बोटी भी मिलती है और ये स्पेशल सीख कबाब है। साथ जुबैर भाई, ये वो मशहूर है नियाज कबाब वाले, उनके साथ साथ हैं। तो ये आ गए दोस्तों हमारे सीख कबाब। देखिए आप, ये इनका एक बैठने का सेटअप भी है यहाँ, और सॉफ्ट है कितने, ये देखिए आपके बिखरा सा जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन जायका है। इस वीडियो से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हम अपनी हर वीडियो में खाने से मुतालिक एक ज़रूरी और अहम बात आपको बताएंगे। आज की ज़रूरी बात यह है कि खाना हमेशा हमें हेल्दी खाना चाहिए और ताज़ा खाना चाहिए, और खाना हमें दरमियानी खाना चाहिए, यानी भूख से कुछ कम खाना चाहिए, यानी कि पेट भरने से पहले हमें अपना खाना रोक देना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों। अभी हम कानपुर फूड टूर पर हैं और इसके पहले एपिसोड में हम लोग आए थे अल समीज फूड कोर्ट पे, जहाँ का खाना हमने आपको खाकर दिखाया। खाना बहुत ही अच्छा था और ये हमारा कानपुर का पहला मील था, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद हम लोग जायका रेस्टोरेंट पर गए, जहाँ पर हमने शामी कबाब शीरमाल के साथ ट्राई किए, जो कि ज़बरदस्त थे, और इनका रोगन जोश वो भी बहुत शानदार था। और अभी हम आए हैं कानपुर के मशहूर नियाज कबाब वाले, जो कि मुल्ला जी कबाब वाले के नाम से भी मशहूर हैं, और ख़ास तौर पर हम कानपुर इन्हीं कबाबों का जायका लेने के लिए आए थे। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं नियाज कबाब वाले। कानपुर फूड टूर के अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे चिश्ती दरबार की बिरयानी और चांद बिरयानी वाले, तो बने रहिए हमारे साथ। ये भी बहुत मशहूर है कानपुर में। फ्रेंड्स, फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं हमारे चैनल पर। मैं अभी इस वक्त हूँ बेकनगंज तलाक महल पर कानपुर के, और ये बहुत ही मशहूर यहाँ के नियाज कबाब वाले, जिन्हें मुल्ला जी कबाब वाले के नाम से भी जानते हैं लोग। यहाँ आए हम, इसके चिकन के और बड़े के दोनों तरह के सीख कबाब होते हैं और बहुत स्पेशल हैं। खाकर देखते हैं कैसा जायका है, क्या चीज़ है, और कब से ये दुकान खुली हुई है जानते हैं, बात भी करेंगे और खाकर आपको उसका जायका भी बताएंगे। आइए नियाज कबाब। कबाब के अलावा भी और क्या होता है भैया? बोटी कबाब। अच्छा, बोटी का एक ही होती हूँ। अच्छा, ये तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर इनकी एक बोटी भी मिलती है और ये स्पेशल सीख कबाब है। खाकर बताते हैं आपको क्या जायका है, क्या टेस्ट है। देखने में तो काफ़ी डिफरेंट लग रहे हैं, खाकर भी बताते हैं आपको। ये देखिए, ये इनका सेटअप है, कुछ पुरानी सी दुकान है। फ्रेंड्स, मेरे साथ हैं जुबैर भाई, नियाज साहब जो मशहूर हैं नियाज कबाब वाले, उनके साहबजादे हैं, उनसे बात करेंगे। जुबैर भाई, ये बताएं ये कब से चल रहा है ये सेटअप, ये इतनी मशहूर और इतनी आपकी दुकान हमें नज़र आ रही है किसी में? सर 94 से जी वाली साहब ने बोला। अच्छा अच्छा, तो इसे बोला चला रहा है। तो ये आपके वालिद साहब की रेसिपी है जो ये? जी जी, सीख रहे। अच्छा, और क्या मशहूरियत की वजह है कि कबाब तो
आमतौर पर सभी जगह मिलते हैं। आपकी मशहूर है कि हमने जिससे भी यहाँ कानपुर आकर मालूम किया उसने यही जगह बताई कि कबाब खाने तो यहीं जाइए न्यास कबाब। अच्छा है, पहले आप टेस्ट करें। आपने टेस्ट करा? नहीं, टेस्ट अभी करेंगे। आपसे मैंने कहा बात तो कर ले थोड़ी सी, आप टेस्ट करिए देखिए। अच्छा, हम खुद बताएं कि क्या वजह है। पूरे सन 94 से चल रहा है, आपके वालिद ने ही शुरू किया था। एड्रेस क्या होता है इसका? जी एड्रेस है सत्ता में बड़ा सर्विस कराता। और टाइमिंग क्या होती है यहाँ पर खाने आने के बाद? शाम 6 बजे से रात 12:30 तक मिलता है। ठीक है जुबैर भाई, शुक्रिया आपका, आपने 2 मिनट दिए। हम अभी खा कर देखते हैं क्या टेस्ट है और क्या जायका इसका बता दें। काय के होते हैं कबाब? ये चिकन के भी हैं, मेरे पास मटन के भी हैं, फिश के भी हैं, चीज के भी हैं। अच्छा ठीक है, शुक्रिया आपका। तो ये आ गए दोस्तों हमारे सीख कबाब। ये हमारे चिकन सीख कबाब लग रहे हैं और ये चिकन टिक्का है। आप बनाते हुए इसमें क्या है भैया, दिखाना जरा। और ये सब कानपुर की बिरयानी है, देखिए आप। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे कबाब लग गए हैं। बैठने का सेटअप भी है यहाँ। एम्बियंस देखिए आप, क्या शानदार है। लाइए साहब। दोस्तों ये तो है इनकी बोटी और ये है इनके सीख कबाब। खाकर देखते हैं, आपको बताते हैं क्या जाएगा इसका। फ्रेंड्स ये आ गए हैं नियाज भाई के कबाब। देखने में बिल्कुल डिफरेंट से हैं और ये देखिए आप, बिल्कुल देखिए क्या जूसी से हैं कि मैं दबा रहा हूँ तो इसका जूस निकल रहा है बिल्कुल। देखिए और सॉफ्ट हैं कितने, ये देखिए आपके बिखरा सा जा रहा है। तो देखने में तो सब कुछ शानदार में है, खाकर जायका पता चलेगा, वो हमारी ज़बान बताएगी। मसाले उन्होंने कहा उनके जुबैर भाई ने बताया, उनके वालिद नियाज भाई के कुछ हैं। 1994 से ये दुकान चल रही है, उनकी अपनी रेसिपीज़ हैं, अपने मसाले हैं। बहुत ही बेहतरीन जायका है। जो मशहूरियत सुनकर हम कानपुर इस कबाब को ढूंढते हुए आए थे उसमें बिल्कुल 100% खरे उतरे हैं। कबाब नेक्स्ट लेवल हैं, इस तरह के सीख कबाब मैंने अभी तक कहीं नहीं खाए। शानदार कबाब है दोस्तों, जबरदस्त। ये देखिए दोस्तों, इसको अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाने के लिए देखिए इसमें तो नींबू डालते हैं और ये प्याज लगाएंगे। ये इसका कॉम्बिनेशन होता है और ये उन्होंने चटनी दी है हरी चटनी के साथ, नियाज भाई कबाब के सीख कबाब। मज़ा आ गया दोस्तों, चटनी भी बहुत शानदार है, इससे इसका फ्लेवर बिल्कुल एनहेंस हो गया, ज़बरदस्त। ये इनके बोटी, ये उन्होंने बताया कि ये भी हमारी स्पेशल होती है। देखिए बोटी है और इसे भी ये बारबेक्यू करते हैं, कोयलों पे सेकते हैं, कोयले का स्मोकी इसमें फ्लेवर आ रहा है, कुछ खुशबू आ रही है। खाकर देखते हैं इसको, पहले बिना चटनी के खा के बताता हूँ कैसा। बोटी भी दोस्तों बहुत ही शानदार है, चटनी और मसालों की ज़रूरत ही नहीं है, इतना अच्छा मसाले लगे हैं, इतने अच्छा टेस्ट है कि किसी चीज़ की इसमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे ही बहुत शानदार है और सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल बिल्कुल टेंडर है, बिल्कुल गली हुई है। देखिए आप,
ज़्यादा चबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये देखिए बिल्कुल जूसी है, फिर भी मैं आपको एक बार इसको नींबू के साथ, और ये देखिए आप नींबू इसमें थोड़ा सा डालेंगे, और प्याज, और ये चटनी, और ये नियाज भाई की बोटी। कानपुर आए, कानपुर आकर आपने नियाज भाई की सीख कबाब और बोटी अगर नहीं खाई तो समझ लिया आप कानपुर आए नहीं। ये कानपुर में एक हीरा है, ज़बरदस्त दोस्तों, आप लोग ज़रूर आके ट्राई करें। दोस्तों ये कानपुर का हमारा टूर चल रहा है, इसलिए मशहूर या बोटी, लेकिन हम पहली बार आए। ये हैं दोस्तों ये नियाज भाई के चिकन सीख कबाब, ये देखिए इन्होंने क्रीम और बटर से बिल्कुल नहला दिया है इसको। ओह ये भी बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखिए आप, इसका बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट जायका है, ये थोड़े माइल्ड है, बड़े के कबाब थोड़े प्रोमिनेंट थे, उसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था, और ये सॉफ्ट है, लेकिन ये भी ज़बरदस्त है। इनके चिकन सीख कबाब बहुत वाला, ये देखिए आप, ये डालेंगे इस पर भी हम नींबू, और ये प्याज, और ये इनकी चटनी हरी, मज़ा आ गया दोस्तों, ज़बरदस्त। आप लोग भी आएँ और नियाज भाई के कबाब ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं आपसे अगली जगह पे अगले वीडियो में नई जायकी के साथ। शुक्रिया, बाय, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों अभी हम नियाज कबाब पर, कानपुर के बहुत ही मशहूर कबाब यहाँ होते हैं, और कबाब खाकर हमने आपको उसका जायका भी बताया, बहुत ही शानदार कबाब थे। तो दोस्तों ये कानपुर का एक छोटा सा फूड टूर था हमारा, अभी हम फिर लखनऊ के लिए निकलते हैं और फिर आपको लखनऊ के जायके दिखाएँगे। तो इजाज़त चाहते हैं आपसे, शुक्रिया।